ऑफ यू क्लास सेवेंथ व्याकरण व्याख्या। मैंने फर्स्ट चैप्टर बच्चों आपको रीडिंग कराया था, क्वेश्चन आंसर बताया था और कहा था कि आप उसको याद रखिए करिएगा। अब है सेकंड चैप्टर जिसका नाम है बच्चों ग्रामर। ये व्याकरण जिसका है व्याकरण ग्रामर, जिस शास्त्र में भाषा के अंग प्रत्यंग का विवेचन और विश्लेषण होता है तथा उसके शुद्ध रूप और प्रयोग का निरूपण होता है उसे व्याकरण कहते हैं। बच्चों हम व्याकरण के माध्यम से ही भाषा के शुद्ध और अशुद्ध होने का ज्ञान प्राप्त करते हैं। जैसे दो लड़कियां पढ़ता है, दो लड़कियां पढ़ता है, इसको हम कैसे जान पाएंगे कि अशुद्ध है या शुद्ध है? हम व्याकरण के माध्यम से जान पाते हैं बच्चों। ये है दो लड़कियां पढ़ती हैं, शुद्ध इसका है। इसका ज्ञान मुझे कैसे प्राप्त हुआ? व्याकरण के माध्यम से। तीन घोड़े दौड़ रही हैं, रॉन्ग है बच्चों या राइट? तीन घोड़े दौड़ रहे हैं, इसका ज्ञान हमें व्याकरण कराता है बच्चों। शुद्ध भाषा का प्रयोग तभी संभव है जब शब्दों के भेदों, रूपों तथा प्रयोग संबंधी नियमों का ज्ञान हो। इसके लिए जिस शास्त्र की आवश्यकता होती है उसे व्याकरण कहते हैं। व्याकरण वी प्लस आ प्लस करण आदि का अर्थ है भली भांति समझना। बच्चों व्याकरण का मतलब है किसी भी भाषा का भली भांति जानना समझना। व्याकरण में वे नियम समझे जाते हैं जिनकी सहायता से शुद्ध बोलना, शुद्ध लिखना और शुद्ध पढ़ना सीखा जाता है। व्याकरण नवीन शब्दों की रचना करना भी सिखाता है। व्याकरण के अध्ययन द्वारा भाषा के ज्ञान तथा प्रयोग के संबंध में आप निपुण विचारक बन जाते हैं। सभी विषयों में शुद्ध भाषा सहायक होती है क्योंकि सभी विषयों के अध्ययन का माध्यम भाषा ही है। शुद्ध भाषा सभी विषयों में अधिक अंक अधिक सम्मान दिलवाती है। बच्चों हमें शुद्धता का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। जब हम किसी भी भाषा में अशुद्ध शब्द का प्रयोग करते हैं वहीं हमारा मजाक बनाया जाता, हम मजाक के पात्र बनते हैं। और अगर हम शुद्ध भाषा का प्रयोग करते हैं तो हमें सम्मान का स्थान मिलता है। व्याकरण साधन है बच्चों, साध्य नहीं है। साध्य है भाषा सीखना, परंतु हम शुद्ध शिष्ट सम्मत भाषा बोलें तथा लिखें इसके लिए व्याकरण सहायक है। हमको शुद्धता और अशुद्धता के ज्ञान कराने के लिए हमें हमारा सहायक व्याकरण होता है बच्चों। व्याकरण भाषा सीखने का एक अच्छा साधन है। फिर इस साधन का जो कि अल्पकाल में भाषा के सभी मुख्य नियम हमारे सम्मुख खोल कर रख देता है, प्रयोग करना उचित नहीं। भाषा पहले बनती है और व्याकरण बाद में बनती है बच्चों। व्याकरण भाषा का उत्पादक या प्रेरक ना होकर भाषा के स्वरूप का प्रतिबिंब मात्र है। व्याकरण का काम है भाषा का सर्वमान रूप प्रकट करना और यदि कहीं विकल्प है तो उसका भी निर्देश करना। व्याकरण में भाषा के आधारभूत नियमों का पता लगाकर अशुद्ध प्रयोगों से शुद्ध प्रयोगों को अलग करके बताया जाता है। व्याकरण द्वारा भाषा में आए दिन होने वाले मनमाने परिवर्तनों की रोकथाम की जाती है। इस प्रकार व्याकरण द्वारा भाषा का नियमबद्ध सुव्यवस्थित तथा श्रेष्ठ अच्छा रूप प्रकट किया जाता है। व्याकरण के कितने विभाग होते हैं बच्चों? व्याकरण के मुख्य तीन विभाग होते हैं, वर्ण विभाग, शब्द विभाग और वाक्य विभाग। सबसे पहले क्या आता है बच्चों भाषा में? वर्ण आता है, उसके बाद क्या आता है? शब्द आता है, उसके बाद क्या आता है? वाक्य। सबसे पहले वर्ण आया, वर्णों के मेल से शब्द बना और शब्दों के मेल से बच्चों वाक्य बनता है। जैसे वर्ण विभाग, इसमें वर्णों के आकार, भेद, उच्चारण और पारस्परिक आपस मेल से शब्द बनाने के नियम दिए जाते हैं। दूसरा शब्द विभाग, इसमें शब्दों के भेद, रूपांतर और व्युत्पत्ति रचना का वर्णन होता है।
वाक्य विभाग क्या होता है बच्चों? इसमें वाक्यों के अंशों का पारस्परिक संबंध बताया जाता है और शब्दों से वाक्य की रचना के नियमों का उल्लेख किया जाता है। बच्चों व्याकरण से ही हम आगे बढ़ सकते हैं, बिना व्याकरण के ज्ञान के हम आगे नहीं बढ़ सकते किसी भी विषय में, किसी भी चाहे संस्कृत हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, कुछ भी हो, उसमें व्याकरण अर्थात ग्रामर की जानकारी होना अति आवश्यक है। बच्चों आप इसको रीडिंग करिएगा घर पे, और बुक जिसके पास बुक ना हो बुक ले लीजिए ताकि आपकी पढ़ाई सुचारू रूप से चल सके। थैंक यू बच्चों।